Welcome to a Personal Child Specialist broadcast. Don't you wish that children came with their own instruction manual? We know they don't, but how about getting the next best thing by having your common parenting and children's health questions answered by Dr. Gaurav Gupta, MD, from Chirag Clinics, India. Hear the wisdom that many people wish their child's doctor would share, and some would travel halfway across the world to hear. Here's your host, Dr. Gaurav Gupta, MD. Hello everybody, and welcome to another episode of your Personal Child Specialist with me, Dr. Gaurav Gupta, as your host. आज हम बात करने जा रहे हैं how to increase breastfeeding in mothers. जब बच्चा पैदा होता है तो आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर डेफिनेटली कहता है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए पहले 6 महीने के लिए. लेकिन कई बार ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि एज अ पेरेंट हमें लगता है कि दूध हमारा कम है. वेल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या हमारा दूध कम है या नहीं? अगर आपका पहला बेबी है तो मोस्ट लाइकली आपका दूध नॉर्मल होगा, बिकॉज पहले बच्चे के टाइम सिर्फ 1 या 2 चम्मच दूध ही एक बार में प्रोड्यूस होता है पहले 2-4 दिन के लिए. ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन लग जाएंगे बाय द टाइम आपका ब्रेस्ट फीड अच्छे से एस्टैब्लिश होगा और आप बच्चे को अच्छे से फीड कर पाएंगे. घबराइए मत, दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल. इनफैक्ट नेचर ने इस चीज के लिए ऑलरेडी बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा पानी डाल के दिया होता है जो बच्चा पहले 7 से 10 दिन में लूज करता है. सो वी से जो बच्चे का जन्म का वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 15 डेज में बच्चा वहीं पे पहुंच जाता है, यानी उसका वेट जन्म वाला ही हो जाता है. एंड जब हमें वेट गेन देखना है देन वी नीड टू लुक आफ्टर 15 डेज ऑफ लाइफ. तो ये तो रही बात नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग की. अब प्रश्न आता है कि क्या कारण है जिनकी वजह से ब्रेस्ट फीड कम हो सकता है, और ये एक बहुत अच्छा सवाल है. सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से मदर के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, अंडर कॉन्फिडेंस. अगर मदर को ये फीलिंग आती है कि उसके अंदर दूध कम बन रहा है और एज अ सपोर्ट हम उनको ये हेल्प नहीं कर पाते उन्हें समझाने में कि ये नॉर्मल है, तो एंजाइटी की वजह से ये कम हो सकता है. हाँ, अगर मदर को कोई और प्रॉब्लम हो जैसे स्टिचेस में दर्द हो रहा हो या फीवर हो या इन्फेक्शन हो या पेन हो या जस्ट बॉन्डिंग अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हुई हो, उनको इश्यूज हो कि भाई बच्चे को कैसे पकड़ना है, कैसे फीड करना है, ऑल ऑफ दिस विल आल्सो कॉज प्रॉब्लम्स इन ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियली. कुछ मेडिसिंस हैं जैसे कि हार्मोनल पिल्स, इवन सिंपल कोल्ड मेडिसिंस लाइक सुडोएफेड्रिन वाली मेडिसिंस जो कोल्ड के लिए यूज करते हैं. इन सबसे भी ब्रेस्ट फीडिंग कम हो सकती है. अगर मदर को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, उनको डायबिटीज का इशू हो या वेट बहुत ज़्यादा हो, ऑल ऑफ दीज कैन ऑल्सो रिड्यूस द ब्रेस्ट फीड इन मदर्स. इसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मदर्स को रियलाइज करनी है कि ब्रेस्ट मिल्क उतना ही बनेगा जितनी हमारी छाती खाली होगी. सो इंश्योर कि अगर किसी वजह से आप बच्चे को दूध नहीं पिला पाते हैं तो अपनी ब्रेस्ट को एम्प्टी करना ज़रूरी है, चाहे आप सक्शन पंप यूज़ करें चाहे हाथ से उसको एक्सप्रेस करें, बट इंश्योर कि बच्चा जो है वो अगर आपका दूध नहीं पी पा रहा है तो ब्रेस्ट को खाली करें, नहीं तो और मिल्क नहीं बनेगा. इसके अलावा हमें ये देखना है कि बच्चे को ज़्यादा पैसिफायर ना दें, बच्चे को फॉर्मूला फीड ना दें, बिकॉज अगेन अगर वो आपका दूध कम पी रहा है तो आपका दूध कम बनेगा. फाइनली अल्कोहल, स्मोकिंग ये अवॉइड करना ज़रूरी है जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं. नॉट ओनली ये बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है बट आपकी इससे फीड भी कम हो सकती है. और अब हम बात करते हैं कुछ खाने पीने की चीज़ों के बारे में जिनसे नेचुरली ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ने में मदद मिलती है. देर आर मेनी थिंग्स इन इंडियन डाइट विच आर सपोज टू हेल्प इन इंक्रीजिंग ब्रेस्ट फीडिंग.
वी डोंट हैव मच साइंटिफिक डेटा जिससे हम ये प्रूव कर सके कि ये वर्क करती हैं, बट दे आर वर्थ अ ट्राई. सो डाइट के अंदर फेनोग्रीक जिसे हम मेथी कहते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सब रहता है, और साथ साथ ये ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ाने के भी काम आती है. इसके अलावा हमारे पास और नुस्खे हैं, जैसे कि गार्लिक यानी कि लहसुन, तिल, तुलसी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे बथुआ, पालक एट्सेट्रा. इनके अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन्स, आयरन एट्सेट्रा भी हैं, बट साथ साथ ये ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ाने में भी मदद करते हैं. सौंफ इज सपोज टू बी गुड ऑल्सो, इसकी चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं. और ट्रेडिशनली जो हम लोग पंजीरी बनाते हैं जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता एट्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो सपोज टू बी यूजफुल इन इंक्रीजिंग ब्रेस्ट फीडिंग. ओट्स, पॉरेज, दलिया, ये सारी चीज़ें भी हमारी ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ाने में मदद कर सकती हैं. टू बी ऑनेस्ट, इन सब के पीछे हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन इनको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज ये नेचुरल चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली भी खाते हैं. फ्लूइड इनटेक अच्छा होना ज़रूरी है, यानी पानी और पानी जैसी चीज़ों की कंजम्पशन. मैं सर्दियों में सूप्स के लिए और गर्मियों में जूसेस के लिए, दूध के लिए भी मदर्स को रिकमेंड करता हूँ. एंड उसके पीछे रीज़न ये है कि जब ब्रेस्ट मिल्क बनता है तो उसमें काफ़ी सारा पानी भी माँ की बॉडी से बाहर जा रहा है. सो अगर वो थर्स्टी हैं और अगर वो पानी नहीं पी रहे हैं तो इसमें ब्रेस्ट फीडिंग कम होने के चांसेस हैं. नाउ द लास्ट पार्ट इज मेडिसिंस. सो मेडिसिंस के अंदर भी दो टाइप की हैं. कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं जैसे शतावरी, लैक्टेयर, लैक्टोनिक एट्सेट्रा. एंड अगेन इनके पीछे लिमिटेड रिसर्च है जिसके बेसिस पे ये रिकमेंड की जा सकती हैं. इनको नॉर्मली पाउडर या कैप्सूल के फॉर्म में खाया जाता है एंड दे मे बी यूजफुल. इन मॉडर्न मेडिसिन वी हैव मेडिसिन लाइक मेटाक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन. ये दोनों ही मेडिसिन नॉर्मली वॉमिटिंग के लिए यूज होती हैं, लेकिन इनका एक साइड इफेक्ट है कि ये प्रोलैक्टिन का हार्मोन का क्वांटिटी बढ़ाती है जिससे ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ जाती है. सो आप अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन से इन दोनों मेडिसिन के बारे में बात कर सकते हैं कि क्या ये आपको ट्राई करनी चाहिए. आई होप आज आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट हाउ टू इंक्रीज द ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर्स. एंड इन केस यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू कमेंट, शेयर, लाइक. यू कैन ऑलवेज राइट टू मी ऑन माई ई मेल विच इज़ योर पर्सनल चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट द रेट gmail.com. और क्या पता अगर आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग हो, यूजफुल हो, तो आई ट्राई टू मेक अ वीडियो और अ पॉडकास्ट एपिसोड ऑन दैट एज वेल. टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप योर किड्स हेल्दी. बाय बाय.